आप अगर चाहोगे तो मुझे जरूर इंसाफ मिलेगा। जो लड़ाई डाकू मिलन और पारस सुशील में यह लड़ाई चल रहा है, इसके बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखोगे तभी पता चलेगा कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। यह वीडियो हर एक बंदे को इंसाफ के लिए, न मैं पारस की ओर से हूँ न डाकू मिलन ऑफिशियल की तरफ से, यह हर एक बंदे को गुजरती है भाई, इसलिए मैं किसी की तरफ से नहीं बोलूंगा, जो हुआ है उसी के बारे में बात करेंगे। नहीं तो डाकू के बंदे बोलेंगे इसे पारस ने पैसा खिलाया, पारस की तरफ से बोलूंगा तो बोलेंगे कि डाकू ने इसे पैसा खिलाया, इसलिए हर किसी के बंदों को हेट नहीं करूंगा और जो हुआ उन लोगों के साथ वो साफ मैं बताऊंगा। यह खुद पारस बोल रहे हैं कि एक वीडियो के लिए लड़ाई हो रही है, पारस ने किसी पर वीडियो बना दी और डाकू ने उस पर गुस्सा लग रहा हो गए इसलिए उनको मारा है। सच बात है कि नहीं, अब डाकू ने उसे मारा है कि नहीं यह तो अब तहकीकात हो रही है, उसी से पता चलेगा। अब इन दोनों की बात हम आप लोगों को सुनाएंगे, डाकू ने क्या कहा और पारस भाई ने क्या कहा। मेरे को ब्लैटी के ऊपर वीडियो बनाई थी, डाकू को बुरा लगा, डाकू ने मेरा नंबर कहीं से निकलवा के मुझे फोन किया और मुझे गालियां देने लग गया फोन पे। यह बात तो सही होगी कि पारस ने किसी पर वीडियो बनाई, डाकू को गुस्सा आया और बोल रहा कि मारा। अब डाकू क्या कह रहा है उससे भी पता लगाएंगे और बताएंगे क्या हुआ, डाकू ने मारा कि नहीं। लेकिन पारस को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। डाकू भी बोल दिया कि मेरी फैमिली को या मुझे कुछ भी हो उसका जिम्मेदार पारस होगा, और डाकू भी बोल रहा है कि इस मामले के अच्छी तरह से तहकीकात हो, इसलिए पारस की जो जिसने मारा हो तभी उसका इंसाफ मिलेगा। मुझे अगर कुछ हुआ, मेरी फैमिली को अगर कुछ हुआ होता है तो उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो पारस रहेगा। डाकू ने पारस को मारा है कि नहीं, यह बात सही है झूठ, यह पंजाब पुलिस तहकीकात कर रही है तभी पता चलेगा कि डाकू ने पारस को मारा है कि नहीं। अब पारस भी बोल नहीं सकते कि डाकू ने मारा है, और बड़े बड़े यूट्यूबर भी बोल रहे हैं कि यह जब केस जांच पड़ताल होगी अच्छी से तब पता चलेगा कि डाकू ने पारस को मारा है कि नहीं। पारस को जरूर इंसाफ मिलना चाहिए, और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस पर और न्यूज़ के रिलेटेड और इंटरटेनमेंट वीडियो लाता रहूँगा।